खजान या टाइम्स जो अब से कुछ महीने पहले ये इंस्टॉल की गई थी। यूँ तो टाइम का जो कलर है उस कलर को कलर से कोई कंप्लेंट नहीं है, और इस कजरिया के टाइम में जो डिज़ाइन बना हुआ है ये डिज़ाइन का ये जो ऊपर कहीं कुछ थोड़ा मिट्टी पड़ती है वो भी यहाँ दिखती नहीं है। इसके लिए ये बहुत अच्छा है कि थोड़ा बहुत इसकी प्रॉब्लम हो मिट्टी की तब भी हमें पता नहीं लगता। तो कजालिया की टाइल या कोई भी रोड टाइल लगाने के लिए हमको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक कि लेबलिंग कैसे है कि आपका इस कमरे का पानी कहाँ निकालेंगे, दूसरे बेडरूम का पानी कहाँ निकालेंगे, तीसरे बेडरूम का पानी कहाँ निकालेंगे, और ऐसा करके ड्राइंग रूम का पानी कहाँ निकालेंगे। तो प्रैक्टिकली ये स्लोप है। एक है कि यदि हमने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि हम ड्राइंग रूम का पानी, जैसे हमारा एक ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम इस साइड में यहाँ से लेके इधर जाता है और इधर वो एक बालकनी है, तो ये यहाँ से लेके ये ढलान दिया गया है कि यहाँ पानी थोड़ा बहुत भी आता है तो ये सीधा इसके थ्रू होता हुआ वापस चला जाता है बाहर, इससे हमारे कमरे में पानी ड्राइंग रूम में नहीं भरता। या जब भी धोना हो, कुछ भी धोना होता है तो हम लोग सीधा पानी डालते हैं, पानी निकल के बाहर चला जाता है, तो ये स्लोप देने से ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा है कि यहाँ से यहाँ सेंटर में थोड़ा स्लोप जो है, ये सेंटर से ये हमारी किचन है तो किचन की तरफ हमने स्लोप दिया है ताकि पानी किचन के थ्रू होता हुआ ड्रेनेज में चला जाए, और यहाँ से बाकी स्लोप दिया है दोनों कमरों की तरफ ताकि वो कमरे के थ्रू होता हुआ और बाहर की बालकनी पे चला जाए। तो ये हमने टाइल लगाने से पहले ही सोच लिया था कि हमको किसका स्लोप किधर रखना है, इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। मिस्त्री को थोड़ा परेशानी तो होती है कि स्लोप देने से उसको जो एज मिलती है टाइल की वो मिलाने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि टाइल लगाने से पहले हम स्लोप देख लेते हैं, तो हमने स्लोप के बारे में बताया। दूसरा है कि जब टाइल लगाते हैं तो टाइल टू टाइल जो वर्कमैनशिप है उस पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि टाइल की जो किनारी है, जैसे यहाँ पर ये किनारी है, यहाँ पर ये किनारी है, यहाँ देखो ये किनारी है, इसके अंदर मिट्टी नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मिट्टी दिखती है। इसका मतलब है कि इसका लेबल है वो ठीक नहीं है। तो हमारा भी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, बट हम ये देखते रहे कि तो यहाँ जो बेसिक वर्कमैनशिप में ये जो किनारी है, इस किनारी का एज बैठी हुई है जिसकी वजह से इसमें कभी कभी पैर लगता है। और दूसरा मैं यहाँ दिखाऊं कि ये वाली है, यहाँ देखें कि ये जो है यहाँ इसमें लेवल का डिफरेंस है, मिट्टी भी है और लेवल डिफरेंस भी है। अब यहाँ मिस्त्री क्या कर सकता है, मिस्त्री कर सकता है कि ये जो चारों कॉर्नर हैं, इन चारों कॉर्नर पर मैं हाथ लगा के देखता हूँ तो लगभग लेवल में है। ऐसे ही इस साइड में भी है, इस साइड में भी देखो तो यहाँ भी लेवल में, इसका मतलब है कि स्टाइल में थोड़ा ये ऊंचा उठा हुआ है। अब उठाते हुए जब वो फिट करता है मिस्त्री, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मिस्त्री को ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो थोड़ा सा है, और ये सोचते हैं शायद ये घिस देगा, फिर लगता है शायद इसमें सीमेंट लगा देगा, तो ऐसा हम उसके ऊपर मिस्त्री के ऊपर विश्वास कर देते हैं। बट ये जो हमें लगता है, मैंने आगे पता किया कि कजारिया की भी जो टाइल्स होती हैं वो भी एक प्रीमियम क्वालिटी होती है, जिसके अंदर जो इसमें जो टेढ़ है या ऐंठन है वो उसमें ऐंठन नहीं होती, बिल्कुल चकोर होती है और साइज टू साइज होती है, और आपको जितने पीस आप निकालेंगे, ये तो हमारी जो टाइल थी कुछ 164 चार टाइल थी उसमें कुछ देखेंगे तो इस पूरे फ्लोर के अंदर कुछ चार पांच टाइलें ऐसी हैं जहाँ की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया। दूसरा यहाँ से मैं आगे दिखाता हूँ कि ये हमारे आंखों के सामने था, यहाँ पर ये भी देखो, यहाँ पर भी है। तो ये हमको उस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यानी हमको टाइल वेस्ट करनी है तो हमें कर दें, उसको हटा दें। हालांकि हम ये कह के टाइल खरीदते हैं
भैया इसमें से कोई भी टाइल खराब हुई तो हम वापस कर देंगे, इस पर वो राजी रहता है। तो ये कहते हुए टाइल खरीदते हुए कि हमें प्रीमियम क्वालिटी की चाहिए, हमारे जो ऐंठन नहीं होने चाहिए और जो भी पीस ऐंठन वाला निकलेगा तो हम उसको वापस कर देंगे, तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहला ख्याल है कि हमको लेबल देखना है, दूसरा है कि हमको क्वालिटी ऑफ टाइल्स है जिसमें कि प्रीमियम क्वालिटी होगी, और तीसरा है वर्कमैनशिप। कि हमने आपको ये दिखाया तो इसके अंदर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा मिट्टी सी नज़र आती है किनारी के अंदर, तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे यहाँ पर है रही थोड़ा दिखता है, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। इस बारे में देखेंगे तो यहाँ से लेके और आप ढलान भी देखेंगे तो ढलान भी इसमें अच्छा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बेडरूम में जो दोनों बेडरूम है इसमें तो समझो कि इतना अच्छा है कि पानी डालो और एकदम बाहर निकल जाता है। तो लेबल पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्त्री की तारीफ करनी चाहिए, पर वहाँ जो चार पांच टाइल्स ऐसी हैं जिसमें हम भी थोड़ा सा रिस्क नहीं लिए, हमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और लेबलिंग हर टाइल का चेक करना चाहिए जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये मैं अंदर की मैंने आपको दिखाया कि जो वर्कमैनशिप से रिलेटेड है, ये जो डिज़ाइन दिखती है काली वाली थोड़ी सी दिखती है जो किसी से कहीं मैच नहीं करती, इसका मतलब है कि हम जूते पहन के आते हैं तो थोड़ी बहुत भी मिट्टी कभी आ जाती है, तो ये इसको छुपाने के लिए डिज़ाइन काम करती है, इसीलिए ये देखने में बहुत खूबसूरत और अभी तक इस टाइल का कोई कलर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं से कोई टाइल क्रैक नहीं हुई है। तो ये टाइल है जो कि इनसाइड बिल्डिंग है बेडरूम और इसमें लगती है, और तीसरी जो लगती है कि किचन में है तो किचन में भी हमने यही टाइल लगा दी, यहाँ पर जो गैप है तो ये इस तरह से किचन में भी ये टाइल लगा दी, तो इससे आपको लुक अच्छा लगता है। बाथरूम की टाइलें वो डिफरेंट हैं, एंटी फ्रिक्शन वाली है, और आउटडोर वाली टाइल और भी डिफरेंट है, तो मैं आउटडोर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वाली वीडियो जो कि अभी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कजारिया इज नंबर वन, और वर्कमैनशिप व्यू से हाँ उसमें जो प्रीमियम क्वालिटी है उसके ऊपर हमें जाना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। और ये टाइल जो है 4 फुट बाई 2 फुट का साइज था, इसमें 2 फुट बाई 2 फुट भी आता है, तो 2 फुट बाई 2 फुट का टाइल जो है वो हमको हैंडल करना आसान होता है, 4 फुट 2 फुट में स्लोप देना और इंस्टॉल करना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कजारिया की टाइल्स देखने में बहुत खूबसूरत और अब तक की क्वालिटी के साथ अच्छा है, बशर्ते कि उसकी प्रीमियम क्वालिटी हो, जो इसकी वीकनेस है वो मैंने आपको दिखाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं CP वर्मा विदा लेता हूँ, अगली वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करें, धन्यवाद।